नमस्कार दोस्तों, वो महान दुर्लभ चीज अगर आपके पास है तो परमात्मा आपको बहुत 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 प्यार करते हैं। वो आपने नहीं चुनी, परमात्मा ने आपको चुना है। आप बहुत विशेष हैं अगर परमात्मा ने ये दुर्लभ चीज आपको दी है। तो क्या है वो दुर्लभ चीज? वो कौन सी अनमोल दात है जिसके बारे में मैं इतनी व्याख्या कर रहा हूं? वो इतनी प्यारी चीज है, वो इतनी महान चीज है कि अगर केवल वो ही है और कुछ नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा। इतनी बड़ी बात है वो। परमात्मा चुनते हैं आपको, सेलेक्ट करते हैं, और जिस पर अपार उनकी ब्लेसिंग होती है, उन चुने हुए लोगों में से भी जो चुने जाते हैं उन पर वो कृपा की जाती है। जानते हैं वो दुर्लभ चीज क्या है? जानते हैं वो दुर्लभ चीज क्या है? सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, इस दुर्लभ चीज का नाम है परमात्मा के नाम का जाप। जी हाँ, परमात्मा के नाम का जाप। अगर परमात्मा जिस पर बहुत प्रसन्न होते हैं तो उसको अपना जाप देते हैं, अपना याद देते हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा का स्मरण कभी नहीं भूलता। सुबह शाम, दिन में, रात में, उठते बैठते, चलते फिरते, वो कहीं ना कहीं उनके मन में याद बनी रहती है। तो ये मांग लेना परमात्मा से, अगर नहीं मिला तो मांग लेना परमात्मा से। गुरु नानक साहब जी ने सीधा सीधा फरमाया कि विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा के दुख, तुझसे तेरे सिवा कुछ और मांगना सिर पे दुखों के दुख मांग लेने हैं। कहते देह नाम संतोखिया उतरे मन की भूख, हे प्रभु मुझे अपना पवित्र नाम दे दे ताकि मेरे भीतर की भूख मिट जाए। बड़ी दिव्य चीज है ये, बड़ी गहरी चीज है। स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो जानते हैं कि परमात्मा के नाम स्मरण का क्या महत्व है। परमात्मा का नाम जो है वो परमात्मा के बराबर ही है। राम से बड़ा राम का नाम शायद उससे भी बड़ा है। इसलिए अगर परमात्मा ने आपको अपने नाम की याद दे दी है तो वो बेशकीमती है। संत सहजो भाई जी कहते हैं कि लेटे बैठे चालते खान पान व्यवहार जहां तहां सिमरण करे सहजो ही ये निहार। कहते हैं जागत में सिमरण करे सोवत में लव लाए सहजो इकरस ही रहे तार टूट नहीं जाए। कैसे स्मरण करना है? हर कंडीशन में, जैसे मैंने अभी कहा, तो उनकी वाणी में, यानी इसका मतलब ये बहुत बड़ा वरदान है परमात्मा जब किसी को दे देते हैं। वो दुर्लभ से दुर्लभ चीज है उसका नाम, और उसके नाम का जाप अगर हमारे हृदय में बस जाए तो समझ लेना परमात्मा ने आप पर बड़ी कृपा की हुई है, बेहद कृपा है। और जब ऐसी कृपा हो तो उसका भरपूर फायदा उठाना। और जब आप कनेक्टेड होते हैं तो आपकी विशेष तो सहज पूरी हो जाती हैं। उसके बाद फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप उसके नाम का लगातार स्मरण कर रहे हैं, आप हमेशा कनेक्टेड हैं, तो आप उसके विशेष हो जाते हैं, प्यारे हो जाते हैं। फिर लोग जो आपके साथ जुड़ते हैं वो भी परमात्मा से कनेक्ट होते चले जाते हैं। आप एक द्वार बन जाते हैं जिसके पास लोग आकर परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। ऐसा अगर आपको स्वभाव दिया गया तो जरूर कमेंट करके बताइए कि आपके पास भी ये अनमोल गुण है क्या। अगर है तो आप नमस्कार के योग्य हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं, आप बधाइयों के पात्र हैं। आपको हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं और दिल से शुक्राना कि आप यहां पर आए हैं, आपने इस वीडियो को देखा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इस गिफ्ट को दुनिया को बांटना मत भूलना। इस पवित्र दात को जो आपको परमात्मा ने दी है उसे परमिशन लेके दुनिया को बांटना, प्यार से बांटना, खूब बांटना ना। बाकी सारी बातें एक तरफ, लेकिन उसकी याद और अंततः जीवन का सफल होना एक तरफ। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत